प्राइस थाना क्षेत्र में घर से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम का शव गन्ने के खेत में मिला है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। फिलहाल परिजनों ने इस मामले में किसी के ऊपर अभी तक शक जाहिर नहीं किया है, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 5 वर्षीय मासूम बच्चा लापता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए गन्ने के खेत में बच्चे का शव बरामद किया। इस दौरान बच्चे का हाथ बंधा हुआ था। पुलिस के अनुसार 5 वर्षीय बालक गजेंद्र निषाद पिपराइच थाना क्षेत्र के मटिहनिया गांव के छोटक टोला के निवासी दिलीप निषाद का पुत्र है। SSP ने बताया कि बच्चे के पिता के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, हेलो जी, थाना पिपराइच के मटनिया सोमाली गांव में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक 5 वर्षीय बालक गायब है, जिस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर आया। गांव वालों के सहयोग से जब बच्चे के आसपास तलाश की गई तो एक गन्ने के खेत में बच्चे का शव मिला, जिसपे कि बच्चे के हाथ बंधे थे। शव पे कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और हम मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इसमें तलाश की जा रही है जी। फिलहाल घर वालों ने अभी कोई किसी का शक जाहिर नहीं किया है किसी पे, और जो भी परिजन तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।